नमस्कार, मैं हूं जीएस विवेक। वैसे तो क्रिकेटर्स बड़े रफ एंड टफ होते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है कि कई सारे क्रिकेटर्स ने आंसू बहाए हैं। मोहम्मद शमी, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, यहां तक कि हमारे कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने भी। लेकिन धोनी के आंसू बहाने की वजह कुछ अलग है, बहुत हटके है। अगर मैं कहूं तो शायद बहुत क्यूट भी है, क्योंकि अपना सा कुछ है जिसकी वजह से धोनी ने आंसू बहाया है। क्या धोनी पर किसी तरह का दबाव है? क्या धोनी पिछले आईपीएल में पुणे की कप्तानी छीने जाने से दुखी थे, और जब चेन्नई में उन्हें इतना सम्मान मिला तो वो इमोशनल हो गए? इमोशनल धोनी कैसा लगा ये तो आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इमोशनल क्यों हुए, किस वजह से हुए, ये पूछते हैं। संदीप पाटिल हमारे साथ आज के शो में हैं। संदीप पाटिल वो हैं जिन्होंने धोनी को कप्तान भी बनाया, जो धोनी को अच्छी तरीके से जानते हैं। संदीप, मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या धोनी किसी दबाव में है, वरना कैप्टन कूल इमोशनल हो जाए, ये बात जरा हजम नहीं हो रही है। विजय, अच्छा लगा क्योंकि एक इंसान जो होता है, सचमुच अगर इंसान हो आप तो ऐसे क्षण आते हैं अपने करियर में, जब युद्ध खत्म होने के बाद हमारा जवान जब घर लौटता है तो उसके आंखों में भी खुशी के आंसू आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चेन्नई सुपर किंग्स, जिनको बैन किया था 2 साल, और 2 साल के बाद जब महेंद्र सिंह धोनी वापस कप्तान बनकर लौटे घर चेन्नई में, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ये खुशी के आंसू है, और इससे साफ जाहिर होता है कि धोनी किसी दूसरे मिट्टी का बना हुआ नहीं है, हमारे ही धरती की मिट्टी जो है, इसी धरती के मिट्टी का बना हुआ है। इतने साल धोनी को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने इमोशनल या छुपाया है या दिखाया नहीं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं वो दिखाते नहीं है, और धोनी उनमें से एक है। जी हाँ, धोनी उनमें से एक है जो अपने इमोशंस दिखाते नहीं है। जैसे पहली बार ऐसा हुआ था पिछले साल कि धोनी कप्तान नहीं थे किसी टीम के, अब वापस आ गए कप्तान की। बात करेंगे अब एक और विकेट कीपर की, धोनी से अब बात पार्थिव पटेल की, जो खेलेंगे नए कप्तान विराट कोहली के लिए। क्या कहा ये सुनिए। आईपीएल में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे हैं जो 5 फ्रेंचाइज टीम के लिए क्रिकेट खेले हैं, पार्थिव पटेल ऐसे खिलाड़ी है। सी ऑब्वियसली, अब जब नई टीम से जाते हो तो थोड़ा थोड़ा हर बार चेंज तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि हर टीम का खेलने का तरीका अलग होता है, टीम का प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। और जैसे आपने कहा कि 5 फ्रेंचाइज से खेले हुए, लेकिन 3 बार चैंपियन भी हुए, वैसी टीम से भी खेला हो, तो दोनों कोई वो रिकॉर्ड की ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा बात वही करता है। इस बार ऐसी टीम लग रही है कि जो सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं, कि फास्ट बॉलिंग भी अच्छा है, बैटिंग तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रेंथ है बहुत सालों से आरसीबी का, और वो एक इस बार भी बड़ा रोल अदा करेगी। विराट की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये आसान होता है जो कैप्टन को पहले से जानते हो, इंडियन टीम में इससे पहले उनके कप्तानी में खेला, उस तरह के कोई कप्तान फ्रेंचाइज में भी रहेंगे तो क्या आसान होता है? बिल्कुल आसान थोड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वो गेम कैसे चलाते हैं, कि कौन से इंटेंसिटी पे गेम चलाते हैं, तो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है, तो वो थोड़ी सी बिल्कुल आसानी तो हो जाती है। और विराट के अंडर खेलने में एक मज़ा सबसे अच्छा हो कि आपके लेवल को वो हर बार पुश करता है, आपका जो अपना 100% है, आप उसको बार को और रेस कर। जी हाँ, संदीप पाटिल हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपने सुना कि पार्थिव पटेल ने क्या बोला विराट कोहली की कप्तानी के बारे में, क्या आपको वाकई में लगता है कि इस साल आईपीएल जीत सकेंगे विराट कोहली? कठिन है विवेक ये कहना, क्योंकि T20 का गेम खेल ही कुछ ऐसा है, 1-2 ओवर में सारा पूरी बाजी पलट जाती है, और इसलिए हम चाहते हैं, क्योंकि ये 3-4 टीम ऐसी है, CSK हो, मुंबई इंडियंस हो, राजस्थान रॉयल्स वापसी कर रहे हैं, और बैंगलोर की जो टीम है जिसका कप्तान विराट कोहली है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लगातार पिछले 10 सालों में दिखाया है। हम देखते हैं, क्योंकि अभी तक शुरुआत हुई नहीं है आईपीएल की, हम चाहते हैं कि जो टीम सस्टेन करे, जो टीम सही टाइम पे पिक करे, सही टाइम पे पिक करना बहुत ही अहमियत रखता है विवेक इस T20 टूर्नामेंट में। जी हाँ, कई लोगों को टीमों की जरूरत पड़ती है, लेकिन विराट शायद वन मैन आर्मी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हलचल है क्रिकेट के मैदान पर। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ के रोने पर ट्वीट कर अश्विन ने कहा है कि दुनिया यही चाहती है कि लोग रोएं, इसके बाद दुनिया को चैन आ जाता है। वहीं सचिन ने ट्वीट के जरिए फैन से अपील की है कि तीनों दागी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को अकेला छोड़ दें।
बॉल टैंपरिंग विवाद के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले डेविड वार्नर सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर वार्नर की पत्नी रोती हुई नजर आई। मासूस दिखे वार्नर। वार्नर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक साल का बैन लगाया है। बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के नाबाद 97 रन की पारी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को लड़खड़ाने से बचा लिया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 290 रन बना लिए हैं। बेयरस्टो के अलावा मार्क वुड ने 52 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसे उसके तेज गेंदबाजों ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी ने सही साबित किया। बोल्ट ने 3 और सऊदी ने पहले दिन 5 विकेट लिए। ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स की आधिकारिक सूची में शामिल हो गया है। कल गलती से उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। वाह क्रिकेट में आज इतना ही। पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।